टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। टेरेस फार्मिंग का मकसद यही है कि वाटर लॉस को कम करें और अपने वाटर को मैक्सिमम यूटिलाइज में लाएं। उस आई एम मोहम्मद सी वेमस फ्रॉम प्लांट फॉर लाइफ सोसाइटी। हमारा ये जो बेसिक मॉडल है ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का मॉडल है, जिसके अंदर हमारा जो बेसिक मकसद है क्लाइमेट चेंज के बैड इफेक्ट्स को कम करके करने के लिए और एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमने मॉडल तैयार किया है। इसके अंदर हम टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं। टेरेस फार्मिंग का मकसद यही है कि वाटर लॉस को कम करें और अपने वाटर को मैक्सिमम यूटिलाइज में लाएं। उसके लिए हम टेरेस फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, फिशेज के लिए एक हैबिटेट, एक पॉन्ड बना रहे हैं। उसके अलावा हम ये एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एफॉरेस्टेशन का मतलब है हम दरख्त लगा रहे हैं। उसके अलावा हमारा काम है कि हम बर्ड्स फीड और बर्ड्स केजेस तैयार करें ताकि बर्ड्स आएं और उन्हें वहाँ पे फीड मिले, और ताकि ये जो बर्ड्स मर रहे हैं, हमारे जो डिफरेंट बर्ड्स हैं वो मर रहे हैं, क्रोज हैं, उन्हें खाना मिले। ये हमारा प्रोजेक्ट है एग्रोफॉरेस्ट्री का। एग्रोफॉरेस्ट्री में ये है कि हम क्रॉप्स के बॉर्डर्स पे डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, लाइक नीम हो गया, लाइक शीशम हो गया, ताकि हम एट द एंड ऑफ द ईयर से प्रॉफिट हासिल कर लें। दिस इज द सीड बॉल। ये सीड बॉल है, इसका बेसिक मकसद ये है कि हम डिफरेंट ट्री से सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं और उस सीड्स को कलेक्ट करने के बाद हम क्ले के साथ कोट कर लेते हैं। क्ले के साथ कोट करने के बाद हम उसे स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास इस टाइम स्टोरेज में 20,000 सीड्स बॉल अवेलेबल हैं और उन सीड्स बॉल को हम लेक्स और लेक्स रोड्स और बैरन एरियाज पे ड्रॉप करते हैं। जैसे रेनफॉल होती है वो मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं और ऑटोमेटिकली ग्रो करते हैं। ये हमारे पास वुड चिप कंपोस्ट है। दिस इज एन ये हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है सॉइल को। ये वुड चिप कंपोस्ट सार रस से बना हुआ है। और उसके अलावा हमारे पास है किचन वेस्ट कंपोस्ट। ये किचन वेस्ट से बना हुआ है और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे काम आता है। थैंक यू।